दोस्तों स्वागत है आपका साइकिल की दुनिया में, जिसका नाम है खतीब साइकिल वर्ल्ड, जहां पर आपको रेंजर साइकिल, शॉक ऑब्जर साइकिल, गियर साइकिल, स्टैंडर्ड साइकिल, लेडीज साइकिल, किड साइकिल, फैट बाइक साइकिल और भी मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको 21 गियर साइकिल के बारे में बताने वाला हूं कि गियर कैसे और कब यूज करने हैं। आपके पास कोई गियर साइकिल हो या आप गियर साइकिल खरीदना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं गियर कैसे और कब यूज करना है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप देख सके और हो सके तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गियर साइकिल में ज्यादातर 18 गियर, 21 गियर और 24 गियर में आती है, जो शिमानो के आते हैं और अच्छे क्वालिटी के होते हैं। 21 गियर का मतलब होता है आगे की तरफ 3 क्रैंक होते हैं और पीछे की तरफ 7 फेयरवेल होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से 21 गियर बन जाती है। जो सबसे बड़ा फेयरवेल है वो है 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और सबसे छोटा 7 नंबर फेयरवेल होते हैं। आगे की ओर जो सबसे छोटा क्रैंक है वो 1 नंबर, उसके बाद बड़ा 2 नंबर और सबसे बड़ा 3 नंबर होता है। आपके बाई ओर है क्रैंक के शिफ्टर, नीचे वाले शिफ्टर का काम है चेन को 1 नंबर से लेकर 3 नंबर की ओर ले जाना, यानी सबसे छोटे क्रैंक से लेकर बड़े क्रैंक की ओर ले जाना। और ऊपर वाले शिफ्टर का काम है चेन को 3 नंबर से क्रैंक से लेकर 1 नंबर की ओर ले जाना, यानी सबसे बड़े क्रैंक से लेकर छोटे क्रैंक की ओर ले जाना। आपके दाई तरफ है फेयरवेल के शिफ्टर, ऊपर वाले शिफ्टर का काम होता है चेन को 1 नंबर से 7 नंबर की ओर ले जाना, यानी सबसे बड़े फेयरवेल से लेकर सबसे छोटे फेयरवेल की ओर ले जाना। और नीचे वाले शिफ्टर का काम होता है चेन को सबसे छोटे फेयरवेल से लेकर बड़े फेयरवेल की ओर ले जाना। ये जो मैंने आपको अभी आपको दिखाया है वो आपको हो सके तो खड़े हुए साइकिल में बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर आप साइकिल को स्पीड से भगाना चाहते हैं जहां पर ट्रैफिक ना हो, तो आपको 3 नंबर क्रैंक यानी सबसे बड़ा क्रैंक और पीछे की ओर 5, 6, 7 नंबर फेयरवेल यूज करना है। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर फेयरवेल यूज करना है ताकि आपको स्पीड मिल सके। भीड़ भाड़ वाली जगह पर साइकिल यूज कर रहे हो तो आपको 2 नंबर क्रैंक यानी मीडियम साइज का क्रैंक और 3, 4 और 5 नंबर फेयरवेल यूज करना है ताकि आपकी साइकिल की स्पीड नॉर्मल साइकिल की तरह बनी रहे। अगर आप किसी पहाड़ पर या फ्लाईओवर पर साइकिल चला रहे हो तो आपको सबसे छोटा क्रैंक यानी 1 नंबर क्रैंक यूज करना है और पीछे की तरफ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर फेयरवेल यूज करना है ताकि आपके पैरों पर प्रेशर भी ना पड़े और साइकिल आसानी से चला सके। ये बेसिक बातें बताई हुई है, आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपके प्राइस के बारे में कुछ कमेंट आते हैं तो मैं प्राइस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसकी दो वजह है। सबसे पहले ये कि डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्राइस होते हैं और दूसरी वजह यह है कि आज जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो प्राइस 6 महीने बाद, 1 साल बाद ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।